सो हेलो एंड नमस्कार गाइज, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आप ही के इस यूट्यूब चैनल दिनंदी टेक्निकल इस यूट्यूब चैनल के अंदर और इस न्यू एंड रिफ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही फिनिश वाला होने वाला है, क्योंकि मैं थंबनेल में दे चुका हूँ कि एप्लीकेशन के हैक करने के लिए आपको बहुत कुछ चीज़ ज़रूरत होता है जो कि आपके साथ पास नहीं होता। आप यूट्यूब में वीडियो आने के बाद ही उसको ट्राई करते हो, बट उस टाइम तक वो ऑफर खत्म भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, ये वीडियो रिक्वेस्टेड वीडियो भी बोल सकते हो, कि बहुत भाई ने मेरे को रिक्वेस्ट किया था कि भाई आपका वीडियो अच्छा होता है तो यार ये वीडियो दे दो। ठीक है, तो मैं इसीलिए जीमेल कैसे आप अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो, एक सेकंड में 10 जीमेल बना सकते हो। ठीक है, तो कैसे आप अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो मैं सिंपली इस वीडियो में कुछ स्टेप बाई स्टेप दिखाता रहूँगा, तो वीडियो को एंड तक वॉच करते रहो और फ्री में जीमेल बनाना सीख जाओ। ठीक है, और दोस्तों आप जानते हो कि बहुत से एप्लीकेशन आता है जिनको हैक करने के लिए आपके पास बहुत ज़्यादा जीमेल होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों मेरे फ़ोन में तो बहुत ज़्यादा जीमेल तैयार है। ठीक है, तो अब मैं आपको दिखा दूँगा कैसे आप, कोई भी फ़ोन नंबर की ज़रूरत नहीं है, ना ही तो आपकी OTP की ज़रूरत है। ठीक है, कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ आपको एक सेकंड में तुरंत आप 10 या 20 जितना चाहो उतना जीमेल आईडी तैयार कर सकते हो। ठीक है, तो कैसे कुछ करना होगा मैं सिंपली आपको दिखाया था। ठीक है, बट उससे पहले अगर आप इस दिनंद टेक्निकल यूट्यूब चैनल पर नए हो तो जल्दी से जल्दी इस दिनंद टेक्निकल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इसके बगल में जो बेल का आइकन है उसे हिट करो। इससे जब भी मैं कोई नया ऑनलाइन स्क्रिप्ट वीडियो, अनलिमिटेड ट्रिक वीडियो, हैकिंग ट्रिक वीडियो और न्यू ट्यूटोरियल वीडियो अपलोड करूंगा तो उसकी नोटिफिकेशन अब तक पहुंचेगा और उसके लाभ आप सबसे पहले उठा पाएंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों बिना टाइम लेकर चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों जीमेल आप कैसे बना सकते हैं अनलिमिटेड। ठीक है, तो अनलिमिटेड जीमेल बनाने के लिए सिंपली आपको जाना होगा आपकी जो जीमेल ऐप्स है, सिंपली इस जीमेल ऐप्स में आपको जाना होगा। तो जीमेल ऐप्स में जाने के बाद सिंपली क्या करना होगा मैं सिंपली आपको दिखाया था हूँ। ठीक है दोस्तों, इस जीमेल ऐप में जाने के बाद मैं आपको दिखाया था हूँ। ठीक है, जिसके थोड़ा मैं कलर को चेंज कर देता हूँ, नहीं तो कुछ समझ में दिक्कत आएगा। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आपको सिंपली जीमेल ऐप को ओपन करना होगा। तो जीमेल ऐप को ओपन करने के बाद कैसा कुछ इंटरफेस आएगा, क्या करना होगा मैं सिंपली आपको इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ, तो वीडियो को एंड तक वॉच करो। ठीक है दोस्तों, ये ऐसा एक इंटरफेस आने के बाद सिंपली ऊपर की तरफ आपको एक लाइन मिल जाएगा, सिंपली यहाँ पर 3 लाइन, तो इस 3 लाइन पर आपको क्लिक करना होगा। इस 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद सिंपली आपके पास ऐसा एक पेज खुल जाएगा। ठीक है, तो ऐसा पेज खुलने के बाद सिंपली यहाँ पे जो ये बिंदी आ रहा है सिंपली इस बिंदी में आपको क्लिक करना होगा। इस बिंदी में क्लिक करने के बाद सिंपली आप जो ऐड अकाउंट आ रहा है सिंपली इस ऐड अकाउंट पे आपको क्लिक करना होगा। और दोस्तों ध्यान रखो, ये जो है आपको सिर्फ कुछ टाइम लगेगा और आप कर सकते हो, तो वीडियो को एंड तक वॉच करो और वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक करना। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर भी करना ताकि वो भी जीमेल बनाना सीख जाए, एक सेकंड के बहुत ज़्यादा जीमेल बना सकते हो। ठीक है दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे जो 3 लाइन में क्लिक करने के बाद सिंपली आप जो ऐड अकाउंट आ रहा है सिंपली ऐड अकाउंट पर क्लिक करना होगा। तो ऐड अकाउंट में क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे आपको चूज़ करना होगा यहाँ पर जो गूगल है सिंपली इस गूगल को आपको चूज़ करना होगा। तो गूगल को चूज़ करने के बाद सिंपली मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर कुछ लोडिंग लेगा। ठीक है, तो आपको कुछ टाइम रुकना होगा और यहाँ पर एक पासवर्ड देने के लिए बोल रहा है, तो सिंपली मैं पासवर्ड दे देता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ। एक्चुअली दोस्तों यहाँ पे मेरी जो फ़ोन का पासवर्ड है वो मांग रहा था, तो मैं सिंपली मेरा फ़ोन का पासवर्ड दे चुका हूँ। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आप अभी देख लोगे कि यहाँ पर जो फुल पेज है ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे पेज ओपन होने के बाद सिंपली यहाँ पर आएगा, इसमें आप टैप नहीं करना होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो आ रहा है क्रिएट अकाउंट, तो सिंपली इस क्रिएट न्यू अकाउंट पर आपको क्लिक करना होगा। तो इस क्रिएट अकाउंट पर जब भी क्लिक करोगे उसके बाद थोड़ा लोडिंग लेगा, आपके पास ऐसा एक पेज खुल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको देना होगा फर्स्ट नेम, उसके बाद देना होगा लास्ट नेम, उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। तो उसमें फटाफट कुछ कोई सा भी एक फर्स्ट नेम दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं यही दे देता हूँ, जैसे कि कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, जैसे कि सब कुछ भी दोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, जिसमें कोई ही नाम ही दे देता हूँ और यहाँ पर लास्ट नेम में कुछ भी दे देता हूँ। ठीक है, ये दे दिया, और इसके बाद सिंपली यहाँ पे जो नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है सिंपली इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही पर थोड़ा लोडिंग लेगा। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों आप पूछाएगा आपकी जो मंथ, और उसके बाद देना होगा आपकी डे, और उसके बाद ईयर, उसके बाद जेंडर सेलेक्ट करने के बाद सिंपली नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। और उससे यहाँ पर आपको जो साल है वो सिंपली 18 उम्र की ज़्यादा चूज़ करना होगा। तो सिंपली यहाँ पर मैं कुछ साल भी दे देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर डे पे कुछ भी दे सकते हो आप। ठीक है, और यहाँ पर ईयर पे आपको थोड़ा ज़्यादा लेना होगा। ठीक है, जैसे कि मैं ये ले लेता हूँ, नहीं नहीं ये ले लेता हूँ। ठीक है, और जेंडर में आप कुछ भी दे सकते हो, फीमेल हो तो फीमेल दो, मेल हो तो मेल दो, और यहाँ पर अगर आप स्टेट से नहीं हो तो ये तो कस्टम से कुछ कुछ सभी। ठीक है, तो मैं सिंपली मेल दे देता हूँ, और उसका सिंपली नेक्स्ट वाले जो बटन आ रहा है सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो सिंपली नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करते ही यहाँ पर लोडिंग लेगा, और आपको यहाँ पर आपकी जो एड्रेस क्रिएट एड्रेस करना होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पर कुछ भी एड्रेस क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं क्रिएट कर दिया हूँ। ठीक है, तो उसके बाद सिंपली जो नेक्स्ट वाला बटन आ रहा है सिंपली इसके ऊपर क्लिक करना होगा। तो यहाँ पर देखो ये पर नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपकी जो है वो नहीं होता तो आपको सिंपली यहाँ पर सजेस्ट पे एक आ जाएगा, तो सिंपली मैं आपको दिखा रहा हूँ। ठीक, जैसे तो यहाँ पर देख सकते हो मैं यहाँ पर कुछ भी दे दिया था। ठीक है, रोहित 123,
तो यहाँ पर नहीं, अगर आपकी जो नहीं लेता है तो यहाँ पर सिंपली ऐसे रेड कलर के बटन आ जाएगा। अगर नहीं लेता है तो सिंपली यहाँ पर सजेस्ट में आपको कुछ भी दे जाएगा, ठीक है। तो आप चाहो तो जिसकी फेक जीमेल आईडी बना रहे हो थोड़ी सही बना रहे हो, तो जब फेक जीमेल आईडी बनाओगे तो यहाँ पर कोई सा भी एक चूज़ कर लेना, ठीक है। तो जैसे कि मैं ये जैसे कुछ भी ले लेता हूँ, ठीक है। लेने के बाद सिंपली यहाँ पे जो ये नेक्स्ट वाले बटन आ रहा है, सिंपली इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक करना होगा। तो इस नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर क्लिक कर दिए, यहाँ पर सिंपली मेरा पासवर्ड पासवर्ड दे रहा है। तो सिंपली दोस्तों मैं और एक बात बोलता हूँ, पासवर्ड आपको देना होगा अल्फ़ाबेट और नंबर मिला के, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, कैसे कुछ बोलना होगा। जैसे तो यहाँ पे जो पासवर्ड होगा वो आपको अल्फ़ाबेट और जो नंबर है वो मिला के देना होगा। जैसे कि मैं देखिए ये देना होगा और उसके बाद शो करके मैं दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे कि ये दे सकते हो ए, जैसे कि मैं दिखा रहा हूँ सिर्फ, ठीक है, सैंपल के लिए। यहाँ पर 1 2 3 जैसे ऐसे करके आपको देना होगा, ना कि आपको सिर्फ नंबर और सिर्फ अल्फ़ाबेट, ऐसा नहीं, अल्फ़ाबेट और नंबर कुल 2 मिला के देना होगा, ठीक है। दोस्तों मैं सिंपली यहाँ पर 2 पासवर्ड यहाँ पर देना होगा आपको पासवर्ड, उसके बाद वही पासवर्ड यहाँ पर देना होगा और उसके बाद नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना होगा। दोस्तों मैं ये करने के बाद कैसा इंटरफेस आएगा मैं सिंपली आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं सिंपली पासवर्ड चूज़ कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैं यहाँ पर जो पासवर्ड है वो फिल कर लिया हूँ। पासवर्ड फिल करने के बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट का वाला बटन आ रहा है, सिंपली इसके ऊपर आपको क्लिक करना होगा। तो इसके ऊपर क्लिक करते सिंपली आपका सेकंड इंटरफेस आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पर यस आई एम इन पे क्लिक करना होगा। तो यस आई एम इन पे जब भी आप क्लिक करोगे उसके बाद सिंपली आपके पास सेकंड इंटरफेस आएगा। तो सिंपली आपको ऊपर की तरफ साइड करने पर सिंपली आई एग्री मिल जाएगा। तो सिंपली इस आई एग्री पर क्लिक करना होगा। तो इस आई एग्री पर जब भी आप क्लिक करोगे आपकी जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर अकाउंट तैयार होने के बाद सिंपली नेक्स्ट वाले जो बटन आ रहा है, सिंपली नेक्स्ट वाले बटन पर आपको क्लिक करना होगा। इस नेक्स्ट वाले बटन को जब भी क्लिक करोगे थोड़ा चेकिंग होगा और उसके बाद सिंपली यहाँ पर जो मेरा आईडी है, यहाँ पर आप 3 लाइन पे चेक करके भी देख सकते हो। यहाँ पर जो 3 लाइन में है, यहाँ पर मैं जब भी क्लिक करूँगा यहाँ पर देख सकते हो कि मेरा और एक जो आईडी मैं आपके सामने क्रिएट किया वो तैयार हो गया, ठीक है। तो दोस्तों ऐसे मेरा ना तो नंबर लगा ना तो OTP लगा, ठीक है। दोस्तों कुछ भी नहीं लगा, मैं फटाक से तैयार कर लिया, आपको मेरे को कुछ भी टाइम नहीं लगा, ठीक है। दोस्तों आपको ऐसे ही तैयार करना होगा और फटाफट फटाफट आपको जितना सेकंड में जितना चाहो तैयार कर सकते हो, ठीक है। आपको टेंशन लेने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों मैं थोड़ा स्लो में दिखाया गया, ठीक है, क्योंकि बहुत से भाई लोग हैं जिसको समझ में नहीं आएगा, तो इसलिए मैं थोड़ा स्लो में दिखाया। अगर आप फास्ट करोगे तो आप सेकंड में, मैं तो डेली जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ता है मैं सेकंड में 10-20 तैयार कर लेता हूँ, मेरे को कुछ भी टाइम नहीं लगता, ठीक है। दोस्तों आप भी अगर कोशिश करोगे तो आपका भी हो जाएगा, ठीक है। आपको टेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, आप बहुत ईजिली कर सकते हो, ठीक है। दोस्तों ये था जगह वीडियो जिसमें आप अनलिमिटेड जीमेल बना सकते हो, जैसे कि बहुत लोगों ने रिक्वेस्ट किया था तो मैं वीडियो बना दिया हूँ, ठीक है। दोस्तों आप लाइक करो वीडियो को, क्योंकि जो लोग रिक्वेस्ट किए थे वो लोग वीडियो को लाइक करो और शेयर करो सभी फ्रेंड के साथ जो अनलिमिटेड जीमेल बनाना सीख जाए, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे और एक न्यू ऑनलाइन स्क्रिप्ट हैकिंग ट्रिक या तो फिर अनलिमिटेड ट्रिक या तो फिर कोई न्यू ऐप की ढांसू ऐप की ट्रिक के साथ या तो फिर लूट मार के साथ, ठीक है। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक बाय बाय, जय हिंद। और सबको अच्छा लगना अच्छा रहना, और वीडियो कैसा लगा जरूर जरूर कमेंट करना, वीडियो का अच्छा लगा तो लाइक कर देना और चैनल।